यहाँ मुझे डायमंड की टेंशन हो रही है और तुम लोग खाए जा रहे हो। वाह, तो आप टेंशन लेते रहते, खाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको? है? आ गया। रखो, कौन आ गए? आई नो, कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलना है। क्या दरवाजा नहीं खोलना है? मैंने वो मिल्क शेक और कोल्ड कॉफी मंगवाया, वो देने आया होगा। हा? क्या कुछ भी? अरे आया यार, रुक एक मिनट, एक मिनट रुका, ला, थैंक यू, चलो बंद करो दोनों। अभी आ गया, मस्त मस्त। आसानी क्या कर रहे हो यार तुम? आसानी कोल्ड कॉफी मंगवाया। खराब हो गया क्या? हा? मैंने कितनी बार बोला है जो भी मंगवाना एक साथ मंगवा दे। आई नो, ये इसी तरह से बार बार शटर खोलना इट इज वेरी रिस्की, समझते नहीं? अरे यार तुम दोनों खामखा डर रहे हो। अरे हमें पता है कि 3 करोड़ की हीरे हमारी ऑफिस के सेफ में पड़े हैं। करोड़, 3 करोड़ मत बोलो, घुंगरू बोलो, घुंगरू। हाँ हाँ, वही वही, पूरी दुनिया को थोड़ी पता है कि सेफ में 3 करोड़ के घुंगरू पड़े हैं। ये बाद में साफ करा है टिश्यू से। अरे ये मरफतिया जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? जी सर का फोन है। तो फोन उठाओ, इसमें क्या डर रहे हो? उठा? उठा, उठा, और बोल दो ये दासानी बार बार खाना ऑर्डर करके मेन शेडर खोल रहा है। क्या बोल दो नहीं हाँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, चुप रहना। हाँ हेलो, राजेश सर बोलिए। क्या मारफतिया जी, फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? ये वो फोन सर दूसरे टेबल पर रखा था इसलिए। फोन अपने पास रखिए प्लीज, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। आई नो आई मीन सॉरी सर, सॉरी। ऑफिस में सब कुछ ठीक है ना? यार मैम को अपडेट देनी मुझे। यस सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी सर। हाँ सर, ठीक है। अच्छा प्लीज अलर्ट रहो दोस्तों, प्लीज सतर्क रहो। मैं वापस 1 घंटे बाद फोन करता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। मम्मा, यामिनी आंटी मेरे और अथर्व के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उन्हें 100% डाउट है कि दक्कू अंकल ने हमारे यहाँ घुंगरू छिपाए हैं। What really? हाँ, उन्होंने तो मुझे पिज़्ज़ा और आइसक्रीम की लालच भी दी। ए, फिसला तो नहीं? नहीं दीदी, क्या आप सुबह सुबह मेरे तंग कर रहे हो? You know what? मुझे किस बात की टेंशन है? जब यामिनी भाभी को पता चलेगा कि उनके घुंगरू सचमुच में यहाँ छुपाए गए हैं तो कितनी अपसेट हो जाएंगी। एक तो डैडी घुंगरू के चक्कर में रात भर नहीं सोए हैं। डैडी? यामिनी आंटी रात भर घुंगरू के चक्कर में नहीं सोई होगी ना? हाँ, डैडी क्यों घुंगरू की टेंशन ले रहे? डैडी के ऑफिस में वो जो 3 करोड़ के डायमंड आए थे ना, वो अभी भी डिलीवर नहीं हुए हैं, ऑफिस में ही हैं, तो इसलिए उसका कोड वर्ड में नाम रखा है डैडी ने घुंगरू। ओह, तो घुंगरू कोड वर्ड है। मधु, मैं चलता हूँ। अच्छा, नहीं नहीं अभी दो। अच्छा, आज थोड़ा लेट होगा ऑफिस से आने में। डैडी, 3 करोड़ वाले घुंगरू की टेंशन आप मत लो। बता दिया। अच्छा बच्चों, कृपा करके इस कोड वर्ड को वायरल मत कर देना पूरी सोसाइटी में, ओके? हाँ, पढ़ाई करना, मम्मा को परेशान मत करना, दोनों गलत जवाब दे रहे हैं। अच्छा सुनो सुनो, तुम भी प्लीज इतना टेंशन मत लेना, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक है, ओके? एनीवे चलो भागो, लव यू, लव यू, बाय बाय, लव यू, लव यू, बाय। ओह माय गॉड, ये तिवारी कहाँ मर गया? इस महीने की इसकी पगार कट। राजेश भाई रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है? देखिए मेरे पास सर 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, ओके? अरे तो 30 सेकंड ही दे दीजिए। मुझे प्लीज माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए। हाँ थैंक यू। क्या हुआ, सुबह नाश्ता नहीं खाया क्या जो इतना भाव खा रहे हैं? वाह वाह वाह, कॉमेडी बहुत अच्छी कर रहे हैं। बताइए आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। मुझे परम पूज्य वन्ना भाभी को और आपको थैंक यू बोलना था। दरअसल आपने यूम के घुंगरू छुपा करना बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, और पता है किट्टू ने भी अच्छे से पढ़ाई की। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छी नींद आई, वेरी गुड। अच्छा 30 सेकंड के बदले आपने 45 सेकंड ले लिए, ओके चलिए बाय बाय। परम पूज्य वन्ना भाभी इनको कैसे सहन करती है? बहुत इंपॉर्टेंट फोन है, प्लीज थैंक यू वेरी मच। तिवारी, हेलो, हाँ मारफतिया जी सब ठीक है ना?
Yes, very good morning, sir. हाँ, good morning. मेरा भी good morning बोलना. सबका good morning मैंने सुन लिया है. सबको good morning कहता हूँ. Okay? अब बताइए, वो घुंघरों को लेकर कोई तकलीफ तो नहीं है ना? Safe है ना? No, sir. क्या? I mean, yes, sir. घुंघरू एकदम safe है, sir. और यहाँ को रात को भी कोई tension नहीं हुई है, sir. हाँ, thank you. क्या tension दे रहे हो यार आप, माफ़ कीजिए. अच्छा सुनिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए घुंघरू मतलब सीक्रेटली हमारे ही ऑफिस में रखने हैं हमें, ओके? डोंट वरी सर, डोंट वरी. जब तक घुंघरू की डिलीवरी नहीं हो जाती, हम घुंघरू को 24/7 हमारी निगरानी में रखेंगे, है ना? फोन रखिए, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ. आने के बाद आगे की प्लानिंग करते हैं. बाय. अच्छा तो ये बात है, दकू के कहने पे राजेश भाई ने अपनी ऑफिस में मेरे घुंघरू छुपा के रखे ताकि मैं कथक और कविता के शो में ना जा सकूं, लेकिन दकू के चाल के सामने मैं भी चाल चलूंगी. प्रभुदेव जी. हेलो यामिनी जी, आपकी आवाज को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, सीजनल वायरल है. आप मेरी छोड़िए, आप बताइए कैसा चल रहा है आपका कविता और कथक का अभ्यास? प्रबुद्ध जी, तकू ने मेरे घुंघरू राजेश भाई के P2P मैक्स ऑफिस में छुपा के रखे हैं. क्या कहा? अभी आप ही को राजेश भाई के ऑफिस में जाके वो घुंघरू मुझे लाके देने होंगे. आप फिकर मत कीजिए, हम दकू भाई के ड्रामा के सामने उससे भी बड़ा ड्रामा करेंगे. लेकिन प्रबुद्ध जी, इस बात की किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए, ये हमारा टॉप सीक्रेट है. अब मुझे मेरी घुंघरू से कोई दूर नहीं कर सकता. राजेश सर, पार्सल एकदम सेफ है सर. वेल डन टीम, आप सबने घुंघरू को सेफली रखकर अपनी बड़ी जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी से निभाया. सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबॉडी. थैंक यू. राजेश सर, आपने हम तीनों पे ट्रस्ट करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बखूबी फर्ज निभाया. मैं देख रहा हूँ ना तुम्हारे जो फूड वाउचर्स है, देखे मैंने. अच्छा मार्फतिया जी, आज की रात भी तुम लोगों को चौकीदारी करनी है, ओके? आई नो. चंदू, शटर बंद रखना. सर, सिर्फ डिलीवरी करने जाते हैं ना तभी शटर खोलते, बाकी के टाइम शटर बंद ही रहता है ताकि बाहर से लगे ऑफिस बंद है. That's it. चलो चलो चलो. कॉफी पी रही हो? चीयर्स. चीयर्स. क्या बात है, बड़े रिलैक्स लग रहे हो. हाँ हाँ बिल्कुल, मैं नहीं, इनफैक्ट पूरा ऑफिस एकदम ऐसे रिलैक्स हो गया है क्योंकि घुंघरू ऑफिस के सेफ में बिल्कुल सेफ है. ओहो थैंक गॉड. अच्छा है, रात भर कितना टेंशन में थे तुम. हाँ मतलब मुझे तो रात भर टेंशन था, लेकिन मेरी वजह से तुम भी सो नहीं पाई. तुम आज दिन भर थोड़ा आराम कर लो. कर लूंगी राजेश बाबू, तुम्हें टाइम मिले तो तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लेना, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज रात भी घुंघरू के पैकेट के टेंशन में जागने वाले हो तुम, है ना? अच्छा बंधु, यामिनी भाभी को अभी तक पता नहीं चला ना कि घुंघरू हमारे घर में छुपा है? नहीं पता चला है. एंड यू नो व्हाट आई एम वरीड ऑफ, जब उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे. कुछ चार पांच कविताएं फेंक कर मारेंगे. कुछ भी बोलते हो. We'll be right back.
कुछ हो रहा है। राजेश राव। हाँ क्या? अरे क्या? थैंक यू सर। हाँ हमारे ऑफिस में कोई वेपन लेके घुसा है सर। क्या राज, एक मिनट, क्या हुआ? बंधु। ओह माय गॉड, राज क्या हुआ? अरे ककड़ी नहीं मांग रहा, फोन स्विच ऑफ करो। आज का फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? क्या चल रहा है ऑफिस में? कियारा को फोन ट्राई करती हूं। अरे कियारा का फोन भी स्विच ऑफ है। सखिया धर्मा, अरे सखिया धर्मा घर पे नहीं है, किसको बोलूं? क्या करूं? ज्योति 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 भाभी ज्योति भाभी जो वन्ना बहन वन्ना बहन वन्ना बहन वन्ना बहन वन्ना बहन। क्या मुझे पता है मेरे घुंगरू कहां है? कहां है? मेरे घुंगरू राजेश भाई के ऑफिस में है। आपके घुंगरू राज के ऑफिस में क्यों होंगे यामिनी भाभी? मैंने अपने कानों से राजेश भाई के मुंह से सुना कि उन्होंने मेरे घुंगरू उनके ऑफिस में छुपा के रखे हैं। राज के ऑफिस में आपके घुंगरू नहीं है क्योंकि आपके घुंगरू यहाँ मेरे घर पे हैं। राज के ऑफिस में जो घुंगरू है वो एक्चुअली घुंगरू नहीं, 3 करोड़ के डायमंड जिनका कोड वर्ड में राज ने नाम घुंगरू रखा है यामिनी भाभी। और आपको पता भी क्या हुआ है? अचानक से ऑफिस में एक आदमी घुस गया, उससे राज का फोन छीन लिया और उसके बाद से राज का फोन नहीं लग रहा, कियारा का फोन नहीं लग रहा। मुझे पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या होगा? अब एक मिनट, मेरे घुंगरू राजेश भाई के ऑफिस में है, ये बात मैंने प्रबुद्ध को बताई थी और प्रबुद्ध ने कहा था कि आप फिक्र मत कीजिए, हम लग्गू भाई के ड्रामा के सामने उससे भी बड़ा ड्रामा करेंगे। ऐसा ड्रामा करेंगे कि लग्गू भाई खुद अपने हाथों से आपको घुंगरू पहनाएंगे। मतलब आपको लगता है कि वो आदमी प्रबुद्ध है? मुझे यकीन है कि वो आदमी प्रबुद्ध है। बाप रे, तू उसको फोन करके बताइए क्योंकि रात को नहीं पता कि वो प्रबुद्ध है और रात को ये लगेगा कि वो आदमी एक्चुअली 3 करोड़ के घुंगरू मतलब डायमंड चोरी करने के लिए आया है क्योंकि उनको नहीं पता ना कि वो आदमी मतलब प्रबुद्ध वहाँ पे आपके घुंगरू के चक्कर में गया। तो हो सकता है पुलिस केस बन जाए, तो जल्दी बताइए उनको। नॉट रीचेबल लग रहा है, क्या करें? किसी का फोन नहीं लग रहा है। राज के ऑफिस में लैंडलाइन है, उसमें फोन क्यों नहीं किया मैंने? अरे पापा, क्या हुआ? नहीं 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 लग रहा लैंडलाइन भी, क्या करें? राजेश सर, सर ये हम लोगों को क्यों बुला रहे हैं? जाओ जाओ तुम दोनों जाओ। हाँ खुशी होगा, जाओ जाओ। ये टॉमी यार, अब जाओ जल्दी जाओ। सर जा रहे जा रहे जा। क्या बच्चा लग गया? अच्छा वो बॉक्स, बॉक्स अरे खोलना भी है। ओके ओके मिस्टर वागले, ये आदमी घूम क्या रहा है? मैं भी वही सोच रहा हूँ। I mean, वो मुझे लगता है 3 करोड़ के डायमंड।
अगर यहाँ लूट हो गई ना तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन और रेटिंग दोनों चली जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, डायमंड हमारे ऑफिस के लॉकर में बिल्कुल सेफ है। हमारे फोन, सेल फोन, सब कुछ स्विच ऑफ है, हम किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते। ये है आपका पार्सल, इंपोर्टेड है ये तो। ये एक किताब आपकी है भाई साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? एग्जैक्टली कौन सा पार्सल चाहिए आपको? हाँ मैं समझ गया, घुंघरू चाहिए ना, घुंघरू। ये तसानी क्या बोल रहे हैं तू? ये भाई सीधा रेट है तो बोलना तो पड़ेगा, है कि नहीं? आज तो रात को मुझे एक शादी पर खाना खाने जाना है। एक मिनट, टाइम प्लीज। वो चश्मे वाला मारफतिया ना, मारफतिया, उसको पता है घुंघरू कहाँ पे, वो आपको आपका पार्सल देगा। वो No! Oh my God! ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। टैगिंग डांस करेंगे? सॉरी दक्कू, पर अब तुम खड़े हो जाओ। अरे ये घुंघरू के चक्कर में इतना बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। टेंशन के बारे में ना मेरा बीपी बढ़ रहा है। देखा देखा ये, अब देखा, तुम्हारी वजह से परम पूज्य बन्ना भाभी का बीपी अप डाउन हो रहा है। ओह माय गॉड। ये घुंघरू के लिए वो झालर प्रबुद्धा को राजेश भाई के ऑफिस में भेजने की क्या जरूरत थी? और वो येड़ा प्रबुद्धा मास्क पहन के ऑफिस में चला गया, बोलो। क्योंकि प्रबुद्ध को जुकाम हुआ था, इसीलिए उसने मास्क पहना था ताकि ऑफिस वाले लोगों को उसका इन्फेक्शन ना हो। ए यम, यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और तुम्हें जुकाम की पड़ी है? व्हाट? सब तुम्हारी गलती है। अरे बात जो दकू, ना ही तुम मेरे घुंघरू छुपाते और ना ही ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता। अरे अभी झगड़ना बंद करो और पुलिस को इन्फॉर्म करो फटाफट। यस मंटर, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है तू। उस एरे प्रबुद्धा को जेल में तो जाना ही चाहिए। नहीं 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 दक्कू, प्लीज प्लीज पुलिस को फोन मत करना, प्लीज पुलिस को फोन मत करना। बेचारा प्रभु हम का बिना वजह का सलाखों के पीछे चला जाएगा। प्लीज मन्ना बहन, प्लीज प्लीज दक्कू को रोको, प्लीज। दक्कू भाई रुक जाइए। जो आज्ञा देवी। हर्षद भाई, दक्कू भाई, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अभी के अभी ना राज के ऑफिस चले जाइए। हाँ। क्योंकि राज को इस बारे में सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। तब तक हम राज का फोन ट्राई करते रहते हैं, अगर हमारी बात हो जाएगी तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ? वाह देवी वाह, इससे बढ़िया आइडिया तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। ए बंटर, क्या कर रहा है? चल फटाफट। प्रणाम मन्ना भाभी। यामिनी भाभी, आप प्रबुद्ध को फोन लगा। देखिए भाई साहब, मैडम को कुछ मत कीजिए, आपको जो पार्सल चाहिए वो मिल जाएगा, इन्हें कुछ मत कीजिए। मारपतिया जी जाइए, पार्सल लेकर आइए। आई नो, अरे आई नो, जल्दी जाइए। प्लीज 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 मारफतिया जी जल्दी आइए। आई नो, चलिए प्लीज प्लीज। हर्षद भाई और दक्कू भाई अभी तक राज के ऑफिस पहुंचे क्यों नहीं है? ट्रैफिक में अटक गए होंगे बंधु। आप चिंता मत कीजिए वंदना भाभी, हर्षद है ना एकदम सुपर फास्ट गाड़ी चलाते, किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। हाँ? यामिनी भाभी, आप वो प्रबुद्ध को फोन कीजिए ना। हाँ उसी को कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है, मैंने मैसेज छोड़ के रखा है। प्रबुद्ध का फोन। प्रबुद्ध कहाँ हो तुम? ब्लेस यू। यामिनी जी, कुछ खबरी देने के लिए फोन किया है। घुंघरू मिल गए, घुंघरू मिल गए। अरे स्पीकर पे डालिए ना फोन। प्रबुद्ध, तुम्हें घुंघरू लेने के लिए राजेश भाई के ऑफिस में नहीं जाना था तुम्हें। एक मिनट, यामिनी भाभी फोन दीजिए प्लीज। प्रबुद्ध जी सुनिए, अगर वो घुंघरू लेने के लिए P2P Max के ऑफिस में है तो प्लीज मेरी वहाँ राजेश वागले से बात कराइए ना। लेकिन मैं घुंघरू लेने के लिए राजेश वागले के ऑफिस क्यों जाऊंगा?
अच्छी गॉड ब्लेस यू क्या गॉड ब्लेस यू मैं तो ये बड़ा ड्रामा डांसिंग स्कूल से लेकर आ रहा हूँ अरे क्या ताली बजा रहे हैं डांसिंग स्कूल मतलब आप वो मास्क पहन के पीटूपी मैक्स के ऑफिस नहीं गए वहाँ पे सबके फोन नहीं छीने आपने नहीं तो मैं तो अब अपने घर पहुँचने वाला हूँ मारा राम जी तो फिर राजेश भैया के ऑफिस में मास्क पहन के कौन घुसा है जो भी गए वो जरूर वो 3 करोड़ के डायमंड चोरी करने के लिए गए भगवान For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.